आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, आपको किस महीने का राशन मिला है, किस महीने का नहीं मिला है, आपको कितना गेहूं और कितना चावल मिला है, सब कुछ आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके साथ। तो शुरू से लास्ट तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको बारी बारी से लाइव प्रोसेस करके बताने वाला हूं कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने राशन कार्ड के डिटेल्स को। अपने राशन कार्ड के डिटेल्स को बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं केवल आधार नंबर से। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर नहीं है और आधार नंबर है तो केवल आधार नंबर से आप चेक कर सकते हैं। राशन कार्ड में जितना भी नाम है उसमें से किसी भी एक आदमी का आधार नंबर डाल करके आप पूरे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं अपने राशन कार्ड को कि आपका राशन कार्ड में कितना आदमी का आधार कार्ड लिंक है और कितना आदमी का आधार कार्ड लिंक नहीं है और किनका लिंक है और किनका लिंक नहीं है और कब का राशन कार्ड आपको मिला है, गेहूँ कितना मिला है, चावल कितना मिला है, सब कुछ आप बारी बारी से बताने वाला हूँ। सुजीत कुमार, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुजीत टेक पॉइंट में। तो चलिए फ्रेंड्स, देने के लिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बारी बारी से बताता हूँ कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। या फिर सबसे पहले फिर से आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सिंपल से यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है, देख सकते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है मेरा राशन। मैं यहाँ पे सर्च कर दे रहा हूँ, कुछ जैसे मेरा लिखिएगा आप और यहाँ पे राशन लिखिएगा, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सर्च कर देना है, यहाँ पे मेरा राशन आपको सर्च कर देना है। जैसे मेरा राशन आप सर्च करते हैं तो आपको जो आपके सामने जो होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मेरा राशन सर्च करने के बाद आपका जो है मेरा राशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस तरह का लोगो मिलेगा आपके सामने, ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे देख सकते हैं किसका लोगो कुछ इस प्रकार का है, तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कीजिएगा। ऑलरेडी मैं पहले से इंस्टॉल रखा हूँ तो मैं इसे ओपन कर ले रहा हूँ। जैसे इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते जाना है, करते जाना है। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस तरह के इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा राशन है जो यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ये फ्रेंड्स एप्लीकेशन लॉन्च है। तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, यहाँ पे केवल आधार नंबर डाल करके आप यहाँ से अपना डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि आपके जो है राशन कार्ड में आधार सीडिंग है या नहीं, यानी कि आपका राशन कार्ड जो है जितना भी आदमी का नाम है राशन कार्ड में आपका उसमें आधार कार्ड लिंक है या नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आधार सीडिंग का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एक नंबर में, इस पर क्लिक आपको करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप राशन कार्ड नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है राशन कार्ड नंबर और यहाँ पे आधार नंबर। तो सिंपल से यहाँ जो राशन कार्ड नंबर दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे राशन कार्ड नंबर जैसे यहाँ पे आप सर्च डालिएगा और जैसे यहाँ राशन कार्ड नंबर डाल करके आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर नहीं है तो फिर यहाँ पर आप आधार नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा इस पर और यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर किनका आप डालिएगा तो आधार कार्ड में किसी राशन कार्ड में जिनका भी नाम है जितना आदमी का उसमें से किसी एक आदमी का राशन आधार नंबर डालिएगा और फिर उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो डिटेल्स है यहाँ पर सामने आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक आधार कार्ड नंबर डाल दे रहा हूँ मैं राशन कार्ड का अपना, मैं यहाँ पर एक आधार नंबर डाल दिया हूँ देख सकते हैं आप। और सिंपल से यहाँ पर मैं सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे सामने जितने भी मेरे राशन कार्ड में नाम है सब यहाँ पर शो हो गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो यहाँ पे है ये मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मेरा जो है किस स्टेट का राशन कार्ड है यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे किस स्टेट का मेरा राशन कार्ड है ये दिया हुआ है और फिर उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पर मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बता रहा है, मेरा पूर्वी चंपारण है तो पूर्वी चंपारण यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद स्कैम दिया है कार्ड का कि कौन सा कार्ड है यहाँ पे ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो मेरा कार्ड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है जो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कार्ड नंबर है राशन कार्ड नंबर, इसी राशन कार्ड नंबर को भी आप डालकर सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि PFS ID कुछ होता है वो भी दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नंबर दिया हुआ है ONORC एलिजिबिलिटी, ठीक है, यस दिया हुआ है। और जितना भी मेरा यहाँ पर देख सकते हैं राशन कार्ड में नाम है वो सब कुछ नाम यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे सब में यस यस है, केवल एक में यहाँ पे मेरा नो है। तो इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जितना भी मेरा राशन कार्ड में यहाँ पे दिया हुआ है यस, इस सब आदमी का आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ नो एक आदमी का दिया हुआ है, तो इसमें मेरा इनका आधार कार्ड नंबर
नहीं जुड़ा है, चूँकि इनके पास आधार कार्ड है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आधार कार्ड नंबर नहीं जुड़ा है, तो आधार सीडिंग नो बता रहा है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया से। तो आधार सीडिंग इस तरह से आप पता कर सकते हैं। और उसके बाद और भी डिटेल्स देखने के लिए यहाँ पे आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बैक हो जाइएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस तरह का दिया हुआ है, जिसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना राशन मिला है और कितना गेहूँ मिला है, यानी कि कितना गेहूँ और कितना चावल मिला है और किस महीने का राशन मिला है, आप यहाँ ही से चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ नो यू इंटाइटलमेंट, इस पर क्लिक कर देना है दो नंबर पे। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर डालकर भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, और अगर तो राशन कार्ड नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे आधार नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा इस पर, और सिंपल से यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा और फिर सबमिट कीजिएगा तो आपके सामने डिटेल्स आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं एक आधार नंबर डाल दे रहा हूँ, फिर सबमिट करके आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक आधार नंबर डाल दिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। आधार नंबर डालने के बाद सिंपल से यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि कितना चावल कितना गेहूँ आपको मिला है, किस महीना का आपको राशन मिला है, यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। तो हमारे सामने कुछ यहाँ पे प्रोसेसिंग हो डाटा बता रहा है, प्लीज़ वेट का ऑप्शन बता रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा मैं चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन टाइम आउट बता रहा है, फिर से मैं यहाँ पे डालकर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेरा यहाँ पे स्टेट ऊपर शो हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो इधर ले जाइए ना, थोड़ा सा बाहर आवा के दिखा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कुछ इस तरह से हमारा राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का मेरा कौन सा स्टेट का मेरा राशन कार्ड है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे आ गया है ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कितना राशन मिला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गेहूँ यहाँ पे बता रहा है 2 रुपये के जी यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे राइस बता रहा है मेरा 2 रुपये के जी, ठीक है। और यहाँ पे सब टोटल मेरा कितना मिला है और क्या क्या मिला है यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। मेरा किस महीने का मिला है तो जुलाई महीने का मिला है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जुलाई 2021 का मेरा ये राशन मिल चुका है। तो कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं अपने राशन